तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो आपका पहला वाला बुक है ना, समकालीन विश्व राजनीति, तो इस बुक से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सीरीज हम लोग चला रहे थे, इसी सीरीज का ये पार्ट टू वाला वीडियो होने वाला है, यानी कि इसी सीरीज के अंदर मैंने पार्ट वन वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट टू वाला वीडियो है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया है इस बुक से, तो वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, तो जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है हमारा और वीडियोज को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करें, और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो मुझसे कई सारे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है jayjha07। ये जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे आपको मेरा चेहरा इस तरह से देखने को मिलेगा, वहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपके सवाल है वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। जो भी आपके सवाल है पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात हमारी नहीं है। और यहाँ बच्चों, अगर आप हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सिंपली आपको सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1-2-3। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ऑलरेडी 3000 से ज्यादा बच्चे वहां पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे सर जी डायरेक्ट 16वां क्वेश्चन बता रहे हो, तो इससे पहले 15 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने बता रखे हैं। पार्ट वन वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर 15 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है सो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादों के किन्हीं दो मुद्दों को बताइए, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद किस चीज को देखने को मिलता है? अवैध प्रवास के रूप में देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे ये है इंडिया है आपका और ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। यहां पर बॉर्डर लग जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमारा यहाँ बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ बॉर्डर के थ्रू बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में घुस जाते हैं अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छा यहाँ पर कमाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद हमें देखने को मिलता है। बांग्लादेश कहता है कि घुसबे नहीं करता है, इंडिया बोलता है भाई तुम बोल रहे हो घुसता नहीं है, यहाँ पर अवैध रूप से हमारे देश में आ रहा है, एक तो ऐसी आबादी ज्यादा है और ऊपर से बांग्लादेशी आ रहे हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, ठीक है। तो एक ये आप लिख सकते हैं। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। दोनों देशों के बीच में अगर विवाद की बात करें ना, तो नदी जल बंटवारा का ये जो विवाद है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र वो यहाँ पर भारत से लेकर के बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से फिर भारत में आती है, फिर इधर से घूम करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है, मतलब कि कितना पानी आप रखोगे, कितना हम रखेंगे, या आप मान लीजिए कि भारत ने कोई नया वहां पर बिजली बनाने वाला उस तरह से प्लांट बना दिया तो यहाँ बांग्लादेश विरोध करने लग जाता है। तो ये एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं विवाद के मुद्दों के अंदर। और क्या है भैया, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने पर विवाद है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जो है भारत को निर्यात नहीं करता है बांग्लादेश, तो इसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। भारत विरोधी ताकतों को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। कई बार बांग्लादेश जो है ना भारत के विरोधी जो ताकतें हैं उनको सपोर्ट कर देता है, और 1971 में हम लोग बनाए हुए किए बांग्लादेश देश को, यहाँ पर वही हमारा इस चीज को लेकर के करता है, ठीक है, यहाँ पर भारत विरोधी ताकतों को सपोर्ट करता है। तो इससे बहुत यहाँ पर जो है सो कि संबंधों में कह लीजिए खराब वो हो जाते हैं, मतलब होता है ना जैसे संबंधों का खराब होना, तो वो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारकों को लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी सैंपल पेपर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, दोबारा से इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। पाकिस्तान में आप देखेंगे लोकतंत्र बहुत कमजोर है, वहां पर कोई भी अगर लीडर आता है जैसे इमरान खान जी आए थे, ठीक है, तो अपना टर्म यानी कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता है। एक लीडर आता है ना 5 साल के लिए, 5 साल कोई कंप्लीट ही नहीं कर पाया आज तक। तो ऐसा क्यों है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ यहाँ पर
स्वतंत्र हुए एक तरह से मान लीजिए 1947 के अंदर, लेकिन आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है और पाकिस्तान में कोई लीडर ही टिक नहीं पाता है, तो क्या कारण है? पहला कारण है भैया ट्रिपल ए का प्रभाव। ट्रिपल ए मतलब अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ठीक है। अल्लाह से मेरा कहने का मतलब है जो वहां पर मौलवी वगैरह है, ठीक है, तो वो जो है जनता के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, जनता का ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट है मौलवी वगैरह के ऊपर। जब इतना ज्यादा ट्रस्ट रहता है ना जनता का ऐसे लोगों के ऊपर, तो ये क्या करते हैं अपनी मनमानी करते हैं। और वो क्या करते हैं भैया, वहां के जो मौलवी है वो एक तरह से आप मान लीजिए कि जो जनता है ना उसको गुमराह करके रखते हैं कि हाँ भैया ये खराब है वो खराब है। तो मतलब काफी सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा ए का मतलब है आर्मी। देखिए वहां पर जितना गवर्नमेंट को पावर नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर, उतना आर्मी को पावर है। आप बोलेंगे आप सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि वहां पर अभी रिसेंटली इमरान खान जी जो है हमारे चाचा, वो अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले तक तो वहां के पीएम थे, उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने पद से हट गए तुरंत ही। मैं भी शौक हो गया कि यार अच्छा खासा तो चल रहा था, यहाँ पे शौक कैसे हो गया। तो मैंने देखा कि वो वहां पर इमरान खान जी जो थे सरकार में रह करके आर्मी के बारे में जो है सो की नेगेटिव बातें बोल दी कि हमारे यहाँ की आर्मी करप्ट है, ये है वो है, ठीक है, इसलिए वहां पर उनको हटा दिया गया। अब ऐसी बात हो रही है कि उनको जल्दी ही जेल में डाल दिया जाएगा, सोचिए। तो यहाँ नहीं कि कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो सरकार चलती है वो वहां सरकार नहीं चलाती है, वहां पर वहां की सरकार जो चलाती है आर्मी चलाती है, यानी पूरे देश को कौन चला रही है, आर्मी चला रही है। जब एक देश को आर्मी चलाने लग जाए ना भैया तो बहुत दिक्कत है, ये समझ लीजिए। तो एक ये कारण है कि वहां पर क्या है भैया पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। अगला कारण है, अगला ए का मतलब होता है अमेरिका, यानी कि यूएस कह लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं रहेगा ना, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा अमेरिका जैसे देशों को और आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर आर्मी रूल करेगी तो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बेचेगा, आर्मी तो वेपन खरीदेगी तो ज्यादा से ज्यादा वेपन बेच पाएंगे और उससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मोटा मुनाफा वो लोग कमा करके जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं आपका पाकिस्तान में लोकतंत्र के कमजोर होने के कारण, ठीक है। ये ट्रिपल ए ट्रिक है जो मैंने अपने टाइम पे यूज किया था, आप भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको पहला ये वाला जो मैंने बताया पॉइंट ये समझ में आया होगा। दूसरा है भैया चमत्कारी नेताओं का अभाव। जैसे इंडिया के अंदर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और भी बहुत सारे लेजेंड नेता देखने को मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई नेता आए भी नहीं किया चमत्कारी नेता जिससे कि वहां का लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं। तीसरा विदेशी ताकतें मैंने आपको बता दी। अगला है राजनीतिक दलों का भ्रष्ट होना। वहां का जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है ना एकदम करप्ट होता है भैया, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 100 रुपया उनकी जेब में आ रहा है ना, तो 100 में से 2 रुपया जनता की जेब में जाता है, 98 रुपया वो खुद रख लेते हैं, इतना ज्यादा करप्ट है, ठीक है। एक भी पार्टी वहां का अच्छा नहीं है भाई, सारा पार्टी वहां का जो है करप्शन के शिकार है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कारण है जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो कमजोर है, या कह लीजिए पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की जड़ें जो है वो कमजोर है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 18वां क्वेश्चन कि LTTE का पूर्ण रूप लिखिए। LTTE का पूर्ण रूप होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, हिंदी में जिसको आप जो है सो कि तमिल इलम के मुक्त बाघ भी बोलते हैं, ठीक है। लिट्टे, लिट्टे का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस तरह से लिट्टे का जो फुल फॉर्म है हमारा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं दो समझौतों का उल्लेख कीजिए। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है सो कि कोई दो एग्रीमेंट ऐसा हुआ है, मतलब दो कोई सा भी एग्रीमेंट बताना है यहाँ पर। तो एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताशकंद समझौता, दूसरा लिख सकते हैं शिमला समझौता, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब कब किया। तो देखिए भारत ने दो बार अपना परमाणु परीक्षण किया था। पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा 1974 में किया था। और ये किसके कार्यकाल में, किसके शासनकाल में किया था, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में किया था ये परमाणु परीक्षण, पोखरण राजस्थान में किया था, जो कि क्या हुआ था भैया बिल्कुल फेल हो गया था, ठीक है। दूसरा जो परमाणु परीक्षण हमने किया वो किया 1998 के अंदर, और इसका कोड नेम था शक्ति 98, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में ये किया गया और ये सफल परमाणु परीक्षण था, ठीक है। ये भी आपका पोखरण में किया गया था बच्चों, याद रखिएगा हमेशा, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। 21वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सार्क व साफ्टा का पूर्ण रूप लिखिए, ठीक है। तो साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, और जो आपका सार्क है उसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये जो साफ
नाफ्टा है उसके बारे में बता रखा है। इसका हिंदी में मतलब होता है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो कि 1 जनवरी 2006 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो ये साफ्टा के बारे में बता रखा है। सार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और 1985 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक कितने युद्ध हुए हैं। तो आज तक 4 युद्ध हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला युद्ध हुआ था 1947-48 के अंदर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, दूसरा जो युद्ध हुआ था 1965 में नदी जल बंटवारे के विवाद को लेकर के, तीसरा जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था आपका बांग्लादेश के लोकतंत्र को लेकर के, और चौथा जो युद्ध हुआ था आपका 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 4 युद्ध आज तक हमारे पाकिस्तान के साथ हो चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आर्थिक वैश्वीकरण की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधार किए गए हैं, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया है और आर्थिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार देखने को मिला है, यानी ओवरऑल इंप्रूवमेंट ही हमें देखने को मिला है इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्या क्या है, किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए। देखिए, दक्षिण एशिया देश कौन से भैया, भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है ना, वो सारे देश मिलकर के क्या बनाते हैं, दक्षिण एशिया बनाते हैं। यहाँ की जो मेन समस्या है वो है सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद, इन सभी देशों के बीच में अमूमन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से। 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी सहायता से संपन्न हुआ, इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए, ये बात है 1960 के दशक की। कब की है, 1960 के दशक की। यहाँ पर जो सो कि सिंधु जो नदी है वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाता है। मस्त सब कुछ चल रहा था, फिर पाकिस्तान वहां उठ करके बोलने लग गया कि अरे इंडिया जो है हमारा पानी रोक रहा है, सर जी क्या कर रहे हो, इतना पानी मत रोको, हमारा दिक्कत हो जाएगा। तो इंडिया बोला, भाई देख पानी हमारे यहाँ से जा रहा है, हमें पता होना चाहिए ना कि हम कितना पानी दे रहे हैं तुम्हें, और हमें पता है कि हम आपको सफिशियंट पानी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर बोला कि नहीं, मैं तो जो है सो कि बाहर जाऊंगा, दूसरे लोग के लेके आऊंगा और ये समझौता होना चाहिए इसके ऊपर। फिर पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड बैंक के पास, फिर वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएटर का रोल निभाया और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो है सो कि एक संधि करवाई। ठीक है, जिसको सिंधु नदी जो है सो कि जल समझौता बोला जाता है, 1960s के टाइम पे हुआ था, जिसमें फिक्स हुआ कि इतना पानी जो है सो कि इंडिया रखेगा और इतना पानी जो है सो कि पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। ज्यादातर पानी वैसे पाकिस्तान को ही मिल गया था। ठीक है, तो यही सिंधु नदी जल समझौता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, कल पेपर है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम लोग भी, और जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताई समझा करके वही सारी चीजें यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस नोट करने वाली बात क्या है कि इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, ये नाम याद रखिएगा। और समझौता किसने करवाया था, यहाँ पर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए वैश्वीकरण क्या होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, बताइए। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, जैसे आपके हाथ में एमआई का फोन है, रियलमी का फोन है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि भैया ये सब चाइना से बन करके इंडिया में आ गया या इंडिया में बन रहा है, बाहर का कंपनी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल हो पाया वैश्वीकरण की वजह से। ठीक है, वही आपका यहाँ पर पूछेगा, वही आपको यहाँ पर लिखना है, वही क्वेश्चन बन जाता है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, वस्तु का एक देश से दूसरे देश में जाना, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना व आना, विचारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, संस्कृति का हस्तांतरण होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण के अंदर आती है बच्चों। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और एज इट इज ऐसे भी आंसर आप लिख करके चले आएंगे ना तो आपको पूरे का पूरे नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा रखा है कि WSF क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखिए एवं इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो WSF जो है ये एक मंच है, एक स्टेज टाइप का आप समझ सकते हैं,
जहां पर वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन का विरोध किया जाता है विश्व के विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा, यानी दुनिया भर से लोग यहां पर जाते हैं और वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। 2001 में ब्राजील में पोर्टो अल्गेरो नाम का जगह है, यहां पर इसका पहला बैठक हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या है कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई। तो भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई एवं इसी समय भारत जो है वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति भी अपनाई भारत ने। इससे पहले भारत में लाइसेंस राज चलता था, बाहर की कंपनियां आकर के ऑपरेट नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे ही हमने वैश्वीकरण को अपनाया, नई आर्थिक नीति को अपनाई, तो इजीली कोई भी दूसरे देश का कंपनी इंडिया में आकर के ऑपरेट कर सकता है और इजीली अपना सामान बेच सकता है और भारत भी दुनिया में सामान बेच सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के परिणाम बताने। तो देखिए, वैश्वीकरण के कई सारे परिणाम होते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जैसे राजनीतिक परिणाम यानी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, आर्थिक परिणाम यानी फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलता है, सांस्कृतिक परिणाम यानी कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कि वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों को बताइए। तो देखिए, सभी देशों के पास किसी भी समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना, सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिली है और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का अहम योगदान देखने को मिला है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों के अंदर। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई MI कंपनी है, ठीक है, या MI छोड़िए एप्पल का कंपनी है, ठीक है, एप्पल जो अमेरिका का कंपनी है, वो इंडिया में आया, इंडिया में अपना फोन वोन बेच रहा है, अपना फैक्ट्री लगा लिया इंडिया में, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से थोड़े बहुत लचीले कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो इजीली ऑपरेट कर सके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हमें राज्य यानी सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिलती है वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों के अंदर, आप इसको लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम के चलते ही क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO जैसी जो संस्थाएं है ना, उनका योगदान बढ़ गया है, इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को बताइए। तो देखिए, वैश्वीकरण से क्या हुआ है, विश्व व्यापार बढ़ गया है, आप देख सकते हैं इंडिया में इस तरह के फोन मिलना आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया है, पहले के टाइम पे ऐसे एक बटन वाला फोन लेना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कंप्यूटर आजकल हर बच्चा जो है सो कि खरीदने की चाह रखता है और बहुत सारे लोग कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते हैं आज के टाइम पे, पहले के जमाने में तो एक सपना हुआ करता था। तो वो क्यों हुआ है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के अंदर या आर्थिक परिणामों के अंदर आप लिख सकते हैं, क्योंकि विश्व व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है, मुक्त बाजार देखने को मिला है, कम से कम टैक्स लगा करके देश आपस में व्यापार करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार देखने को मिला, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है वो एक देश से दूसरे देश में जाकर के इजीली अपना काम कर पा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि स्टेट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को बताइए। देखिए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर आप लिख सकते हैं कि लोगों के रहन सहन व खान पान की आदतों में बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि इंडिया में आप एग्जांपल ले लीजिए, पहले हमारा देसी खाना क्या हुआ करता था, दूध दही लस्सी, ये हमारा देसी खाना हुआ करता था अपने देश का, लेकिन आज के टाइम पे कोई दूध दही लस्सी जल्दी खाना पसंद करता नहीं, उसको बोल दीजिए कि आपके सामने दूध दही लस्सी है और एक जगह चाउमीन मोमोज बर्गर फिंगर और पिज्जा वगैरह है, तो बोलेगा अरे यार थोड़ा पिज्जा खा लेता हूँ, दूध दही लस्सी तो खाते ही आ रहे। तो इससे क्या हमें देखने को मिला कि लोगों की खान पान व रहन सहन की आदतों में बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, रहन सहन कैसे, पहले यहाँ पर लोग जो है सो कि मान लीजिए कि कपड़े कैसे पहनते थे, धोती कुर्ता, ये हमारे देश की संस्कृति सभ्यता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग धोती कुर्ता कोई पहनता है, रेयरली ही कोई पहनता हुआ देखने को मिलेगा, गांव वगैरह में तो देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या होता है आज के टाइम पे लोग कोट टाई वगैरह ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो ये क्या है भैया, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव ही तो है, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं लोग, जो है सो कि अमेरिका या कह लीजिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, ना केवल भारत बल्कि भारत जैसे बहुत सारे देश है जहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। विदेशी त्योहारों व फिल्मों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर या मैरी क्रिसमस, ये हमारे यहाँ का अगर देखा जाए तो कल्चर नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, लोग इसको अपनाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ पर न्यू ईयर 1 तारीख को नहीं आता है, 1 जनवरी को, बल्कि यहाँ पर कुछ
आपका मई अप्रैल वगैरह में आता है, समथिंग इस टाइप का, ठीक है, ये मैंने देख रखा है, आप वैसे कंफर्म कर लीजिएगा। अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग जो है सो कि न्यू ईयर मनाया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में अलग डेट को न्यू ईयर आता है, जो इस्लाम धर्म है उसमें अलग डेट को न्यू ईयर आता है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। अरे भैया काहे का न्यू ईयर यार, न्यू ईयर आपका हर दिन एक न्यू ईयर ही है, क्योंकि हर दिन आप एक नया जीवन जी रहे हो, ठीक है, इस तरह से। ये तो और सारी यहाँ चीजें पर क्या आप दर्शा रही हैं, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के दो सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव को बताइए। वैश्वीकरण जब आया तो उसके सकारात्मक प्रभाव हमें क्या देखने को मिले, वस्तुओं व पूंजी के प्रवाह में तेजी आई है, यानी कि आसानी से एक देश जो है सामान दूसरे देश में बेच सकता है या खरीद सकता है, महिलाओं की स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला, विश्व व्यापार के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है, दुनिया में जो ट्रेड है जो व्यापार है वो बहुत तेज हो गया है आज के टाइम पे, ठीक है। और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिले हैं, आर्थिक लाभ केवल विकसित देशों को हुआ है, डेवलप कंट्री ही वैश्वीकरण का ज्यादा फायदा उठा रही है, ठीक है, संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या है कि संरक्षणवाद क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 1991 से पहले अपने घरेलू उत्पादों को बचाने एवं एकाधिकार बनाए रखने हेतु विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना संरक्षणवाद कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1991 से पहले भारत जो है विदेशी कंपनियों को आने नहीं देता था, वो सोचता था कि अपने देश की कंपनियों को आगे बढ़ाऊंगा, वो संरक्षण करने का कोशिश करता था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया के देश करने की कोशिश किए हैं, इसको ही संरक्षणवाद कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं भारत और वैश्वीकरण के बारे में, ठीक है। यहाँ पर संरक्षणवाद की नीति मैंने आपको बता दी कि भारत में आजादी के कई वर्षों बाद तक भी वैश्वीकरण को जो है सो कि नहीं अपनाया था भारत ने, भारत चाहता था कि वह आत्मनिर्भर बने, लेकिन अंततः 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया और नई आर्थिक नीति के तहत इसको अपना लिया, ठीक है। एलपीजी वहां हमने अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में यहाँ पर प्रति वर्ष 7.5% के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि यह बढ़ोतरी दर जो है 1990 में 5.5% था, ठीक है। तो 5.5% से लेकर के 7.5% तक का फासला हमने तय किया है केवल और केवल वैश्वीकरण को अपनाने से। एनआरआई जैसे लोग भारत की संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो भारत के तो है लेकिन भारत से बाहर जाकर के रहते हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र के बारे में बात करें तो पूरा विश्व आज भारत का लोहा मानता है, इन्फोसिस हो गया आपका, ठीक है, टाटा का हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ठीक है। ऐसे जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां पूरी दुनिया में भारत का लोहा बनवा करके रख रखा है, ठीक है। आज भारत के लोग वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े पदों पर है, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे गूगल जी के सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई जी है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जी है, अब तो नया यूट्यूब के भी सीईओ बन गए हैं भैया हमारे यहाँ पर, नील मोहन जी, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के जो लोग हैं ना भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर है, बड़े बड़े यहाँ पर कंपनियों के अंदर। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, मतलब एक टॉपिक बेसिकली बने इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।